हल्दीबांडे थाना क्षेत्र में आए कोसी नदी के बहाव के कारण गणेश घाट के ग्रामीणों का संपर्क टूट जाने के बाद ग्रामीणों के मकान भी बाढ़ के पानी से ढह गए और ग्रामीण सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे, जबकि इस गांव के दर्जन भर से ज़्यादा ग्रामीणों के कच्चे मकान भी बाढ़ के पानी में ढह गए। कोसी नदी ने मुंडा पांडे क्षेत्र के कई गांव में जमकर तबाही मचाई थी। इसके बाद रस्सी के सहारे फंसे तमाम ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। जब पानी उतरना शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पानी उतरने के बाद ग्रामीणों की मुसीबत और बढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश घाट में हिम्मत सिंह, छेदालाल, दिनेश मोहन, कुमार पाल, मंगली, नुरबसर आदि के मकान गिर जाने से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और ग्रामीण सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे हैं। गणेश घाट जी, मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। क्या नाम क्या आपका? फिरासत। बाढ़ से क्या क्या परेशानी आई आप लोगों को? बाढ़ से सारी परेशानी है जी, टोटली परेशानी है। सारा सामान बेकार हो गया और मकान देख लीजिए जी कैसा है। कौन सा घर में रहते हो? ये सामने वाला घर है। अच्छा, अरे जी, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो पानी में निकल कर गुजरना पड़ा होगा आप लोगों को। बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कैसे निकल रहे हो घरों में सर? बस पानी में निकल रहे हैं। पानी में निकल रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था क्या है आपके पास? पड़ोस के घर में रह रहे हैं, लेकिन वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। पड़ोस के घर से खाना जाता? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? अभी कोई अधिकारी, किसी ने कोई चेक नहीं करा, कुछ नहीं करा। कितने दिन हो गए पानी में निकलते हुए आपको? 3 दिन हो गए लगभग। 3 दिन से बच्चे भी बीमार हो गए निकल गए। अच्छा, बीमारी में क्या बीमारी चल रही है? बुखार, झाड़ा बुखार। मेरा नाम मुन्ना सिंह सागर और सुरेश पाल सिंह है। मैं ग्राम प्रधान गणेश घाट मुंडा पांडे मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ। मेरे यहाँ जब से बाढ़ आई है तब से पूरी बाढ़ ने पूरी खेती नष्ट कर दी है। और मेरे यहाँ, मेरे गांव में आने के 3 रास्ते थे, जो 2 रास्ते बिल्कुल टूट चुके हैं, जिसकी पुलिया भी गायब हो चुकी है। मेन रोड पूरी नीचे घुस चुकी है, सारी टूट गई है। और मेरे यहाँ जो गणेश घाट गाँव, मेरे गांव में 20-25 घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हुई उन लोगों? खाने पीने की व्यवस्था खुद स्वयं लोगों ने की है। हमने सबसे पूछा गया, भाई कोई मदद की अगर आ सकता हो तो बोले भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मदद की जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे आपसे। अच्छा, यहाँ पर कोई अधिकारी मुरादाबाद से SDM वगैरह या कोई? अभी तक अभी अधिकारी कोई नहीं आया है मेरे यहाँ। ना तहसीलदार साहब आए, ना SDM साहब आए, ना DM साहब आए, किसी का दौरा नहीं हुआ। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मैंने संपर्क किया, फ़ोन पे भी संपर्क किया, यहाँ तक कि लेखपाल तक मेरे गांव में नहीं आया अभी। आप क्या चाहते हो? जैसे अब यहाँ पर बाढ़ का पानी आ चुका है, तो आप क्या चाहते हो उनका? बस मैं निवेदन करूँगा सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन करूँगा सबसे, कि मेरे गाँव में जो नुकसान बाढ़ से नुकसान हुआ, खेती का टोटल 100% खेती बह गई लोगों की। और जिन घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिनकी दीवारें टूटी हैं, मकान ढह गए हैं, मैं निवेदन करूंगा सरकार से, गुजारिश करूंगा कि उसको तुरंत बनवाने का काम करें।